हेलो। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो है एक जातक कथा। जातक कथाएं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिटन स्टोरीज हैं। एक था बहुत बड़ा जंगल और इस जंगल में खूब सारे जानवर रहते थे। साथ ही रहता था एक हिरन। ये हिरन रोज शाम को नदी के किनारे पर पानी पीने आता था। वहीं ऊपर पेड़ पर एक कठफोड़वा रहता था जो कि दिन भर लकड़ी को काटता रहता था। और पानी में एक रहता था कछुआ। ये तीनों रोज मिलते और खूब खेलते। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए थे। अब एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। ये शिकारी वहां पर बहुत दिन तक रहने की प्लानिंग करके आया था। उसने सोचा खूब बड़ा जंगल है, खूब मोटे ताजे जानवर हैं, खूब सारे जानवरों को पकड़ूंगा और फिर शहर में ले जाके उन्हें बेच दूंगा। तो उसने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और झोपड़ी में वो अपना सामान रखकर और रहने लग गया। अब एक दिन उसने बिछाया जाल, क्योंकि उसकी नजर इस हिरन पर पड़ चुकी थी। ये हिरन जो था, इसका कलर बहुत ही सुंदर गोल्डन था। शिकारी ने सोचा कि इस हिरन को मैं ले जाऊंगा शहर में और जब इसको बेचूंगा तो मेरे को खूब सारे पैसे मिलेंगे। अब हिरन दिन भर जंगल में इधर उधर घूमता रहा और जाल में आया नहीं। अब शाम तक बैठे 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 शिकारी परेशान हो गया। उसने जाल तो बिछा रखा था, वो जाके अपने घर खाना खाने चला गया। शाम को जब हिरन पानी पीने आया तालाब पर, तो उसका पांव फंस गया जाल में और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। आ अब पेड़ के ऊपर कठफोड़वा बैठा हुआ था। उसने जब देखा कि ये मेरा मित्र हिरन मुसीबत में फंस गया है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो उड़ता उड़ता गया कछुए के पास। कछुए भैया, मुझे पता है तुम्हारे दांत बहुत तीखे हैं, प्लीज अपना मित्र हिरन फंस गया है, उसकी मदद करो। कछुआ बोला, ठीक है मैं आता हूं। और धीरे 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 जाल काटने लगा। लेकिन कछुए के जो दांत हैं वो चूहे जितने तेज तो नहीं थे। उसे जाल काटने में बहुत लंबा समय लगा और उसके खुद के दांत टूटने लग गए। अब काठफोड़वा उड़ता 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 गया और शिकारी की हट के ऊपर बैठ गया, ये देखने कि कहीं शिकारी बाहर तो नहीं आ रहा है। उसको जैसे ही शिकारी हट से बाहर निकलता हुआ दिखा, वो उड़ता हुआ जल्दी से कछुए के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, कछुए 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 कछुए, शिकारी आ रहा है, तू जल्दी से जाल काटने का काम खत्म कर दे। कछुआ बोला, हाँ बस खत्म होने ही वाला है। उसने जैसे ही जाल काटा, हिरन फलांगे लगाता हुआ भाग गया। लेकिन तब तक शिकारी आ गया और कछुआ तो था बड़ा ही स्लो, तो शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया। उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरा इतना अच्छा शिकार जाल तोड़कर भाग गया। गुस्से में उसने पकड़ा कछुए को और एक कपड़े में बांध के और कंधे पे डाल लिया और जाके पेड़ पे टांग दिया। अब जैसे ही हिरन ने पेड़ों के पीछे से देखा कि
कि अरे ये तो मेरा दोस्त पकड़ा गया, इसी ने तो मेरी मदद करी थी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो भागा शिकारी के सामने से। हिरन को देख के शिकारी की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा अभी भी मैं इसको पकड़ सकता हूं, और वो अपना तीर कमान लेके और हिरन के पीछे भागने लगा। हिरन भागता 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 उसे जंगल में से गोल गोल घुमाता हुआ फिर से तालाब के पास आ गया, जहां पे कछुए की पोटली टंगी हुई थी, और अपने सींगों से उसकी पोटली ऐसे ऐसे करके और नीचे गिरा दी और सींगों से उसको खोल दी, और कछुआ बाहर निकल आया और फटाफट पानी में कूद गया। और हिरन तो था बड़ा ही फास्ट, फिर से फलांगे लगाता हुआ और जंगल में भाग गया। और इस तरह दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान बचाई और शिकारी खाली हाथ मलता हुआ रह गया। उसका जाल भी गया, हिरन भी गया और कछुआ भी छूट गया, और कहानी हो गई खत्म।